जिला में हो रहे अवैध खनन के कारोबार में अब बीजेपी दल के रूप में आ गई है। कुछ दिन पहले माफिया द्वारा पुलिस को दमकाने वाले मामले में बीजेपी सरकार की काफी बेइज्जती हुई थी, जिसके बाद अब बीजेपी तल्ख हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और हिमाचल सरकार के प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध खनन के मामले पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। जिला में हो रहे अवैध खनन के कारोबार में अब बीजेपी तल्ख रूप में आ गई है। कुछ दिन पहले माफिया द्वारा पुलिस को धमकाने वाले मामले में बीजेपी सरकार की काफी बेइज्जती हुई थी, जिसके बाद अब बीजेपी तल्ख हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और हिमाचल सरकार में प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने पत्रकार वार्ता कर अवैध खनन के मामले पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी ने जिले में हो रहे अवैध खनन के कारोबार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल होने और उनके खनन के कारोबार में 15% हिस्सेदारी के आरोप भी लगाए और बकायदा हिस्सेदारी के सबूत भी मीडिया को जारी किए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिनमें मुकेश अग्निहोत्री व अन्य नेताओं की हिस्सेदारी किसी न किसी नाम से है। बीजेपी के सत्ता में आते ही इनकी हिस्सेदारी बंद हो गई है और आज वही लोग जिला में अवैध खनन को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, जबकि खुद वे अवैध खनन का कारोबार करने में शामिल थे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिला में सबसे ज्यादा माइनिंग लीज दिए जाने की बात कही और प्रदेश में फैले माफिया राज के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 2012 में जब चुनाव हुए 13 में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ साथ खनन मंत्री यानी कि माइनिंग मंत्री भी साथ में थे, तो माइनिंग मंत्री के 5 साल में जो माइनिंग लीज जिला ऊना में सिर्फ 10 थी वो बढ़कर वो 75 हो जाती हैं। यानी कि आपने 5 साल में 75 माइनिंग लीज जिला ऊना में दी, जो पहले कुल कितनी थी 10 थी। और इसमें भी जिस स्वां नदी की चिंता आज मुकेश अग्निहोत्री जी को हो रही है, मैं उनको इतना ही बताना चाहूँगा कि आपने ऊना विधानसभा क्षेत्र और हरोली विधानसभा क्षेत्र दोनों में स्वां नदी में 52 माइनिंग लीजेस दी हैं, जिनमें से 27 हरोली में हैं और 25 ऊना विधानसभा क्षेत्र में पड़ती हैं। तो ऊना विधानसभा क्षेत्र में तो 2013 से पहले एक भी माइनिंग लीज नहीं थी। कांग्रेस कार्यकाल के 5 साल के दौरान ही 25 दी गई हैं और हरोली में नई 27 माइनिंग लीज आपने स्वामी दी है, तो ये 52 आप खनन लीज ना देते तो आज जिस स्वां नदी की आप बात करें तो आपको शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो माइनिंग की आपको आपके द्वारा ही ऊना में खनन माफिया खड़ा किया गया और आपके द्वारा ही खनन माफिया को शेल्टर दिया गया और आपके द्वारा ही उनको समय समय पर बचाया गया। अगर आप ऊना में खनन माफिया खड़ा ना करते तो आज ऊना के पत्रकारों को, ऊना की जनता को ये चिंता ना होती। अब कुछ एक दो नेता बड़े बयान लगा रहे हैं, जैसे आपने कांगड़ का पढ़ा होगा, कांगड़ के पूर्व में प्रधान, अभी उनकी पत्नी प्रधान है, विनोद कुमार जी बिट्टू खनन की बात कर रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कांगड़ में जिस माइनिंग लीज की बिट्टू शोर मचा रहा है और मुकेश अग्निहोत्री उसकी बात कर रहा है, उस माइनिंग लीज की एनओसी किसने दी है? बिट्टू तो गांव का प्रधान था, उसने माइनिंग एनओसी दिया और मुकेश अग्निहोत्री खनन मंत्री था, इसने उसको माइनिंग लीज दी। एक बात। दूसरी बात, जो प्रधान एनओसी दे रहा है वही अपना हिस्सा उस माइनिंग में डाल रहा है। मेरे पास कागजात है, 15% का शेयर उसी बिट्टू विनोद कुमार का उस माइनिंग लीज में नहीं है। मैं बिट्टू से ये भी पूछना चाहता हूँ, मुकेश अग्निहोत्री से भी, कि बिट्टू का जो 15% शेयर है, क्या उसने 15% पैसे डाले हैं उसमें? किस अकाउंट से दिए, कहाँ से दिए? ये जितने भी ऊना में हरोली में माइनिंग लीज हुई है, चाहे क्रशर खड़ा किया गया है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का कोई बिट्टू कोई पप्पू उसका इलीगल शेयर होता था, वो पैसे नहीं लगाते थे और पैसा वो जो चाहे बिट्टू था चाहे कोई पप्पू था ये लोग लेते थे बिना पैसा लगाए। तो ये सारे खनन से जुड़े लोग हैं, वो एक तरह से कांग्रेस सरकार के समय में वो 15% लेता था। अब जब सरकारें बदल गई हैं, दादागिरी खत्म हो गई है, लगता है वो थोड़ा टुकड़ा डलना बंद हो गया है और उसकी तकलीफ हो रही है, इसलिए ये सारी हुए एंड क्राई हो रहा है। बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर
अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर माइनिंग का काम में हिस्सेदारी डालता है तो वे उसका बिजनेस है, ना कि वे अवैध कारोबार में संलिप्त है। कांग्रेस ने जिला में बिना एमफॉर्म के खनन होने के आरोप भी लगाए और कहा कि इससे प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने अवैध खनन में बीजेपी से जुड़े लोगों के होने के आरोप भी लगाए और जल्द ही इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी कही। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा के जो नेता है वो इस वक्त अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जो खनन माफिया जो होते हैं वो लीगली काम नहीं करते हैं, जो लीगली काम करते हैं वो व्यापार होता है। और अगर किसी भी कांग्रेसी व्यक्ति की अगर किसी काम में उसकी 15% हिस्सेदारी थी, जब हिस्सेदारी है जहाँ माइनिंग में उनको लीज है 15% की, अगर उसमें उसकी हिस्सेदारी है तो वो एक तरह से लीगली काम था। और मैं तो भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार ने लीजें दी थी, जितनी भी लीजें हुई थी कांग्रेस सरकार ने उनको वो लीजें दी थी और रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था सरकार के लिए, और अब मुझे भाजपा सरकार ये बताएं कि उन्होंने कितना रेवेन्यू 1.5 साल में इकट्ठा किया, जबकि खनन जब एक नंबर में खनन होता था सरकार को उसका रेवेन्यू जाता था, उससे 4 गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा जो खनन है अब हो रहा है। अब इन्होंने कितना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया है, क्योंकि आज सरकार कोई एम फार्म इशू नहीं कर रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।